ब्लैक सी में अमेरिकी घुसपैठ के बाद यूएस और रूस के बीच तकरार बढ़ती जा रही है और इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। काला सागर में अमेरिकी घुसपैठ के बाद से ही रूस चमचमाया हुआ है। अमेरिकी पनडुब्बी को खदेड़ने के बावजूद उसका गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए रूसी सेना को तटीय सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, रूसी सीमा के पास नाटो के युद्धाभ्यास को लेकर भी पुतिन गुस्से में हैं। सैन्य अधिकारियों और हथियार निर्माताओं के साथ हुई बैठक के दौरान पुतिन ने कहा कि एक अमेरिकी युद्धपोत काला सागर में प्रवेश कर चुका है। हम इसे रक्षा प्रणालियों से देख सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के कई युद्धपोत लगातार इस इलाके में गश्त लगाते रहते हैं।